नमस्कार, मिशन 24x7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। निगोही ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, जिसके बाद पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा को एक और बड़ा झटका लगा है। हालांकि अब निगोही के ब्लॉक प्रमुख के लिए चुनाव होगा, उसके बाद में पता चलेगा कि नया ब्लॉक प्रमुख अब कौन होगा। खैर, इस बुलेटिन की शुरुआत अब हेडलाइन से करेंगे, उसके बाद दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। निगोही ब्लॉक प्रमुख सचिन वर्मा के खिलाफ पारित हुआ अविश्वास प्रस्ताव, 65 सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ किया वोट, अब जल्द होगा निगोही ब्लॉक प्रमुख पद के लिए चुनाव। किसान सेवा सहकारी समिति सिंधौली के संचालक मंडल ने सचिव पर लगाए गंभीर आरोप, कहा समिति के सचिव ने धान क्रय केंद्र के लिए भेजा फर्जी प्रस्ताव, संचालक मंडल सदस्यों ने जिलाधिकारी से कार्रवाई की गुहार लगाई। सायहापुर में रेलवे स्टेशन पर अचानक युवक की तबीयत बिगड़ी, स्टेशन पर ही हुई युवक की मौत, हरियाणा से मजदूरी कर परिवार के साथ घर लौट रहा था युवक। गगरा कला के कोटेदार ने दबंगों पर लगाया गाली गलौच और मारपीट करने का आरोप, पीड़ित कोटेदार के समर्थन में उतरे कोटेदार, कहा दबंगों के खिलाफ हो कार्रवाई नहीं तो राशन वितरण बंद कर देंगे। और विश्व हिंदू महासंघ ने तिरंगे का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, कहा हर घर तिरंगा अभियान के तहत फहराए गए तिरंगों का अब हो रहा अपमान, सभी तिरंगों को ससम्मान उतरवाया जाए। निगोही ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। आज यहां अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सचिन वर्मा के समर्थन में एक भी वोट नहीं पड़ा। यहां 75 क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से 66 सदस्यों ने वोट किया, जिसमें 65 मत अविश्वास प्रस्ताव के लिए किए गए, जबकि एक मत निरस्त हो गया। तो वहीं 9 सदस्य वोटिंग करने ही नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि यहां कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह 11 बजे एसडीएम तिलहर की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ बैठक हुई। 2 घंटे तक चली बैठक के बाद अविश्वास प्रस्ताव के लिए वोटिंग शुरू हुई, जिसका नतीजा 3:30 के बाद आया। आपको बता दें कि अब ब्लॉक प्रमुख पद के लिए फिर से चुनाव होगा। जैतीपुर थाना क्षेत्र के खेड़ा बझेड़ा की रहने वाली महिला ने दबंगों पर जबरन जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। महिला ने जिलाधिकारी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। महिला का आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंग उसकी जमीन पर जबरन निर्माण कर रहे हैं। महिला का यह भी कहना है कि विरोध करने पर दबंग जान से मारने की धमकी देते हैं। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के शर्मा गुट और पांडे गुट एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। शर्मा गुट के जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने अपने गुट को असली बताया था, उसके समर्थन में लखनऊ के डिप्टी रजिस्ट्रार को चिट्ठी जारी की थी। डिप्टी रजिस्ट्रार की चिट्ठी के बाद बीएसए ने पांडे गुट के जिलाध्यक्ष ऋषिकांत पांडे को अपने गुट के निर्वाचन की कार्रवाई रोकने पर आदेश दिए थे। इस संबंध में आज ऋषिकांत पांडे ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर बीएसए के आदेश का निरस्तीकरण कराए जाने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि उच्च न्यायालय में संगठन का विवाद लंबित है, इसलिए डिप्टी रजिस्ट्रार और बीएसए का आदेश असंवैधानिक है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। सायापुर एसओजी और कांट पुलिस ने अंतर जनपदीय चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के पास से चोरी के आभूषण बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किया गया चोर सामीन बदायूं जिले का रहने वाला है। आपको बता दें कि सातिर चोर के 4 साथियों को इससे पहले सदर बाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनके पास से लाखों की कीमत के जेवर बरामद हुए थे। सायहापुर रेलवे स्टेशन पर एक युवक की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। थाना अल्लागंज क्षेत्र के लालपुर गांव का रहने वाला प्रतिपाल हरियाणा से मजदूरी कर वापस घर लौट रहा था। प्रतिपाल जैसे ही सायहापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद पहुंची जीआरपी ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बीते दिनों अल्लागंज कस्बे में नाले में मिले नाबालिग के शव के मामले में आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एसपी से मुलाकात की। आपको बता दें कि अल्लागंज के मोहल्ला इस्लामगंज का रहने वाला 16 वर्षीय किशोर दिल्ली से घर लौटते वक्त अचानक लापता हो गया था, जिसका 2 दिन बाद बस स्टैंड के पास नाले में शव मिला था। वहीं परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से ना लेते हुए कोई कार्रवाई नहीं की है। राष्ट्रीय गौरक्षक दल ने गौवंशों को गौशालाओं में पहुंचाने की मांग को लेकर आज एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है।
और रक्षक दल के जिला अध्यक्ष दीपक गुप्ता के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। राष्ट्रीय गौ रक्षक दल का कहना है कि गौवंश सड़कों पर हादसों का शिकार हो रहे हैं, तो वहीं कई गौवंश किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में गौवंश को गौशालाओं में पहुंचाया जाए। जलालाबाद में लकड़ी मंडी के पास दबंगों ने दो युवकों के साथ मारपीट की है। बताया जा रहा है कि रुस्तमपुर चक गांव के रहने वाले धर्मेंद्र पाल और पप्पू काम से जलालाबाद आए हुए थे। इसी दौरान लकड़ी मंडी के पास पुराने विवाद को लेकर दबंगों ने लाठी डंडों से पिटाई कर दी। मारपीट में दोनों लोगों को चोटें आई हैं। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। महानगर के ककरा कला मोहल्ले के कोटेदार मुजम्मिल ने दबंगों पर गाली गलौज कर मारपीट करते हुए धमकी देने का आरोप लगाया है। मुजम्मिल का कहना है कि ककरा कला में सरकारी गल्ले की दुकान पर वह सुबह राशन वितरित कर रहा था। इसी दौरान मोहल्ले के ही कुछ दबंग पहुंचे और ज्यादा गल्ला देने की मांग करने लगे। जब इस बात पर उसने विरोध जताया तो दबंग गाली गलौज करते हुए मारपीट करने पर उतारू हो गए और बाद में धमकी देते हुए फरार हो गए। वहीं अब कोटेदार मुजम्मिल के समर्थन में और कोटेदार भी उतर आए हैं। कोटेदारों ने मांग की है कि दबंगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा की स्थिति में वो काम बंद कर हड़ताल पर चले जाएंगे। थाना जेरामो दक्षिणी के ऐठापुर गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऐठापुर के रहने वाले मंगेश का गांव के ही कुछ लोगों के साथ विवाद हो गया था। परिजनों का आरोप है कि बीती शाम गांव के ही कुछ लोग मंगेश को बुलाकर साथ ले गए थे और उसे शराब में जहरीला पदार्थ पिला दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। आनन फानन में परिजन मंगेश को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कांठ थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे पर अनियंत्रित होकर डीसीएम पलट गई। हादसे में ड्राइवर और हेल्पर को चोटें आई हैं। घटना कांठ थाना क्षेत्र के नहर कोठी के पास की है। यहां जलालाबाद से सायापुर की ओर आ रही डीसीएम का अगला पहिया अचानक फट गया, जिसके बाद अनियंत्रित होकर डीसीएम पलट गई। जलालाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज आशा और संगनी वर्कर्स को ई कवच मोबाइल ऐप को लेकर प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान सभी आशा वर्करों को ई कवच मोबाइल ऐप के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि जल्द ही आशा वर्करों को मोबाइल फोन का वितरण होगा, उसके बाद सभी आशाएं घर घर जाकर सर्वे करेंगी। किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड सिंधौली के संचालक मंडल ने समिति के सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संचालक मंडल के सदस्यों ने आज जिलाधिकारी को शिकायत देकर मामले में जांच कराए जाने की मांग की है। संचालक मंडल सदस्यों का आरोप है कि किसान सेवा सहकारी समिति सिंधौली में संचालक मंडल की बैठक बुलाए बिना ही धान क्रय केंद्र का फर्जी प्रस्ताव भेजा गया है, जिसको निरस्त कराकर संचालक मंडल की बैठक बुलाई जाए और नया प्रस्ताव लिया जाए। संचालक मंडल का कहना है कि सचिव द्वारा फर्जी तरीके से प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें समिति के भवन को जर्जर बताते हुए मुरछा मुरछी गांव के नाम से क्रय केंद्र अलॉट कराने की मांग की गई है। बरेली से कटरा लौट रहा एक युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कटरा थाना क्षेत्र के भुड़िया गांव का रहने वाला 30 वर्षीय सौरभ गंगवार बरेली के एक निजी हॉस्पिटल से काम कर लौट रहा था। बीती शाम वो हॉस्पिटल से घर लौट रहा था, तभी कबूर नगला गांव के पास अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर अक्षर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। प्रतियोगिता का आयोजन सोसाइटी के बिजलीपुरा स्थित कार्यालय पर हुआ। यहां लूडो और कैरम प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर सिंधौली के एमए पब्लिक स्कूल और ग्लोरियस माइनॉरिटी पब्लिक स्कूल में खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विद्यालय प्रबंधक आसिफ अली मंसूरी ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान स्कूल में गोला फेंक, भाला फेंक और लंबी दौड़ प्रतियोगिता कराई गई। 100 मीटर दौड़ में साजिब खान पहला, आकाश राठौर दूसरा और अरुण कुमार ने तीसरा स्थान हासिल किया। तो वहीं बालिका वर्ग में 100 मीटर में शशि यादव ने पहला, वैष्णवी गुप्ता दूसरा और नेहा यादव ने तीसरा स्थान हासिल किया। विजय हुए बच्चों को पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। विश्व हिंदू महासंघ ने ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। महासंघ का कहना है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया।
सभी ने अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा ध्वज भी फहराया, लेकिन उसके बाद अब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान भी हो रहा है। महासंघ की मांग है कि तिरंगों को सम्मान पूर्वक उतरवाया जाए, अन्यथा की स्थिति में जो लोग तिरंगे का अपमान कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। निगोही पुलिस ने कच्ची शराब बनाने और बेचने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर मुनेश, सत्यपाल, सर्वेश और शिवशरण को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 70 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण मिले। साथ ही पुलिस ने मौके पर मिली 700 लीटर लहन को नष्ट करा दिया है। थाना गड़िया रंगीन पुलिस ने अफीम डोडा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रामपुर चौराहे के पास से तस्कर ओमेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया। ओमेंद्र के पास से 10 किलोग्राम अफीम डोडा बरामद हुआ। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त जनपद बदायूं के दातागंज का रहने वाला है, जिसे अब पुलिस ने जेल भेज दिया है।